हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पायल्स किचन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी वेजिटेबल की रेसिपी जो कि अलग अलग जगह अलग अलग नामों से पुकारी जाती है। जैसे कि इसको मुंबई में भोपला कहते हैं, नॉर्थ इंडियन साइड में इसको कद्दू, काशीफल और पेठा कहा जाता है। तो इसकी बहुत ही स्पेशल रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसके लिए आधा किलो मैंने यहाँ पर ले लिया है इसे, और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये कच्चे वाला है और इसमें पका हुआ भी आता है, वो ना ले, इसमें कच्चे वाला ही ले। और एक कढ़ाई लेकर उसमें मैंने 2 चम्मच भरकर घी लिया है। हाँ जी, घी लेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका आएगा। तो एक बार घी में इसे ट्राई करके देखें। और उसमें 1 चम्मच मैंने मेथी दाना डाल दिया है और गैस को सिम कर दिया, और थोड़ा सा हींग डाला है क्योंकि मेथी बहुत जल्दी पक जाती है, इसलिए सिम गैस पर इसे करें क्योंकि घी हमारा गर्म हो चुका था। और थोड़ी सी मैंने इसी समय पर कसूरी मेथी इसमें डाल दी है, ये मैंने 1 चम्मच ली है। और फिर इसमें 2 चम्मच मैं भरकर धनिया पाउडर डाल रही हूँ, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस वेजिटेबल में। और 1/2 चम्मच मैंने कश्मीरी चिली पाउडर, 1/2 चम्मच लाल चिली पाउडर और दूसरा मैंने 1/2 चम्मच ही हल्दी डाली है और 1 चम्मच सौंफ पाउडर डाला है। अब इन सब मसालों को अच्छे से घी में रोस्ट कर लेंगे, तो जले नहीं ये ध्यान रखें, तो सिम गैस पर ही इन्हें मसालों को अच्छे से भून लें। या अगर आपको लग रहा है कि जल्दी से भून रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें पानी डाल दीजिए, ज़्यादा जलने नहीं चाहिए वरना टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। और देखिए इस तरीके से भून चुके हैं अच्छे से, क्योंकि मैंने गैस बिल्कुल सिम कर रखी थी, अच्छे से पक चुके हैं। और अब इसके बाद में हम डाल देंगे अपनी ये वेजिटेबल, तो सारे पीसेज एक साथ डाल दीजिए। ये वेजिटेबल पूरी, पराठे किसी के साथ भी खाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगती है, तो एक बार ज़रूर बनाकर देखें। बहुत अमेजिंग सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ और बहुत ही सिंपल वे में आपको बता रही हूँ। सिर्फ इसी कढ़ाई में हम सारी प्रोसेस कर लेंगे और बहुत जल्दी ये बनकर रेडी हो जाएगी। और देखिए अभी आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डाल दें, मैंने यहाँ पर 1 चम्मच डाला है। और फिर इसे अच्छे से हम मिलाएंगे, पूरा नमक मिलने के बाद में थोड़ा सा पानी इसमें हम डाल कर रखेंगे जिससे कि सारे पीसेस बहुत अच्छे से गल जाएं। बनाने को ये कुकर में भी बन जाती है, पर जितना अच्छा टेस्ट का कढ़ाई में आता है उतना अच्छा टेस्ट का कुकर में नहीं आता है। तो कोशिश करें आप कढ़ाई में ही बनाएं, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा ज़रूर लगेगा, बहुत टेस्ट लगेगी। पर तो इसमें देखिए 1/2 ग्लास के करीब, यानी कि 1 कटोरी भी नहीं होगा, बहुत ही कम होगा, इतना पानी मैंने डाला है। और फिर थोड़ी देर ढककर रख दिया था, और उसके बाद में देखिए कुछ अपना ये पानी वेजिटेबल खुद भी छोड़ देती है। और फिर इसको बीच बीच में हम चलाते रहेंगे, कवर करते रहेंगे, और हम ये पूरी प्रोसेस सिम पर ही कर रहे हैं। बीच बीच में मैंने थोड़ी सी मीडियम की थी फ्लेम, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी ये पक जाते हैं। और फिर मैं इसको जब भी थोड़ा सा गल जाता है उसके बाद में मैंने 1 चम्मच इसमें चीनी डाल दी है। चीनी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, पर इतनी इनफ रहती है, और इसका थोड़ा सा खट्टा मीठा टेस्ट आएगा। और ये बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर ट्राई करें। अपने फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। देखिए कितना सुंदर सा कलर आ गया है, जो हमने मसाले डाले थे उनका भी थोड़ा सा ऊपर से साइड में से कलर आने लग गया है। और देखिए आपको अभी काट कर दिखाती हूँ कितना सॉफ्टली ये पक चुका है, इट मीन्स ये सब्जी बन चुकी है। अभी इसी स्टेज पर हम इसे 1 से 2 बार चलाएंगे और 1-2 चीज़ें हमें डालनी है वो डाल देंगे। गैस ऑफ कर दी है मैंने। अभी इसे थोड़ा सा और टेस्टी बनाने के लिए 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पर अमचूर पाउडर लिया है, और 1/2 ही चम्मच मैं यहाँ पर होममेड गरम मसाला डाल रही हूँ, इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इन्हें अब अच्छे से मिक्स कर दें, और फिर देखिए हमारी वेजिटेबल बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो आप इसे नान, चपाती, पराठे या फिर पूरी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी वेजिटेबल होती है। देखिए मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ, और ये हमने छिलके के साथ ही बनाई है, आप बिना छिलके के भी बना सकते हैं। आलू की एक ऐसी टेस्टी सब्जी जो कि हम नॉर्मली घर में बनाते हैं, पर इसमें कोई ऐसा इन्ग्रीडियंट बताऊँगी जिससे कि यह हलवाई जैसी आप घर पर बना पाएंगे। और बनाना बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल पर नए मेहमान हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें और सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने 6 आलू काट कर ले लिए हैं। देखिए इस साइज़ के आप आलू कट कर सकते हैं, आप चाहें तो अगर आपको बड़े आलू खाना पसंद तो वैसे भी कट कर सकते हैं। तो मैंने गैस पर कुकर रख दिया है, और उसमें 2 टेबल स्पून मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डालेंगे जिससे कि थोड़ा सा ऊपर से जो ग्रेवी है वो थोड़ा शाही लुक आ सके। तो उसमें मैंने 1/2 चम्मच जीरा डाल दिया, और थोड़ा सा मैं इसमें हींग डाल रही हूँ। हींग जरूर डालें, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इस वेजिटेबल में। और उसके बाद में 1 टेबल स्पून में भर कर खसखस ले रही हूँ, जिसको पॉपी सीड्स भी कहते हैं और कुछ लोग इसे पोसत कहकर भी बुलाते हैं। बस इसे हमें सिम गैस पर अब थोड़ी देर के लिए सेकना है, जब हल्की हल्की भिनी भिनी सी खुशबू आने लगे तब तक हमें सेकना है, जलाना नहीं है बिल्कुल भी। तो बहुत ध्यान रखें सिम गैस पर ही इसे आप इस तरीके से चलाकर सेकें, और जब हल्की सी खुशबू आने लगे इसमें से और वो लाइट गोल्डन कलर हो जाए तो बाकी के मसाले डालेंगी। 2 चम्मच भरकर मैं यहाँ पर धनिया पाउडर डाल रही हूँ,
और उसके बाद में एक चम्मच सौंफ पाउडर डाला है, अब कश्मीरी मिर्च आधी चम्मच और आधी ही चम्मच मैंने लाल मिर्च डाली है, आधा ही चम्मच इसमें हल्दी डालेंगे और उसके बाद में थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने इसमें डाल दी है, ये एक चम्मच के करीब होगी। और उसके बाद में हमें अच्छे से मसालों को चलाना है, जले नहीं, ध्यान रखें, सिम गैस पर ही पूरी प्रोसेस बता रही हूँ आपको, ताकि आप आराम से मसाले डालें और उसके बाद में इस तरीके से चलाएं वो अच्छे से भून सके सिम गैस पर। और जैसे जैसे भूनते हैं वो धीरे धीरे ऐसे ऑयल रिलीज़ करने लगते हैं मसाले भूनने के बाद में, और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इन मसालों का, इस समय बहुत अच्छा अरोमा फैला हुआ है पूरी किचन में फ्रेंड। उसके बाद में हम डाल देंगे ये टमाटर, जो मैंने 4 टमाटर लिए हैं चॉप करके, उसमें मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट कर लिया था और 2 हरी मिर्ची मैंने काट कर डाल ली थी, तो ये सभी बहुत अच्छा फ्लेवर देंगे। तो तीनों ही चीज़ ज़रूर डालें फ्रेंड्स, जब भी आप आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाते हैं उसमें भी डालें। ये हम बना रहे हैं यहाँ पर पोषक वाले आलू या फिर खसखस के आलू, अब ये पॉपी सीड्स आलू आप इन्हें कह सकते हैं। ये हलवाई की ट्रिक बताई है आपको, हलवाई इस तरीके से बनाते हैं। और देखिए अभी यहाँ पर मैंने सॉल्ट डाल दिया है, अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भर कर लिया है फ्रेंड्स। तो ऐसा करने से इससे एक तो जो हमारे आलू टमाटर हैं उनका टेस्ट बहुत अच्छे से बढ़ जाता है, और थोड़ा सा ये एक रिच वेजिटेबल हो जाती है जो कि पूरी पराठे के साथ में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। हलवाई ये डालते हैं, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, उनकी सब्ज़ी थोड़ा डिफरेंट लगती है। और साथ ही ऐसे भंडारे में भी बनते हैं इस तरह के आलू, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें ये वेजिटेबल। और उसके बाद में जितने आलू मैंने काट कर धोकर अच्छे से रखे थे वो मैंने पानी 1 गिलास पानी के साथ में डाल दिए हैं इसमें, अभी इन्हें अच्छे से चला देते हैं, पूरा अच्छे से मिक्स कर देते हैं। जो हमने स्टार्टिंग में पोषक डाला है उससे टेस्ट तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ जो ग्रेवी है वो थोड़ा थिक भी होती है और बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। इस तरह से चलाने के बाद में अब मैं इसे कवर कर दूँगी। देखिए यहाँ पर 1/2 गिलास पानी से मैंने और डाला है और उसके बाद मैं लिड लगा दूंगी और इसे कवर कर दूंगी और गैस को मीडियम कर देंगे। और एक स्टीम देने के बाद में हम इसे 7 से 8 मिनट के लिए सिम गैस पर रखने के बाद में जब पूरी स्टीम निकल जाएगी तो हमने लिड हटाई है। और देखिए कितनी प्यारी ग्रेवी बनी है, कितना अच्छा कलर इसके ऊपर आ चुका है क्योंकि हमने इसमें कश्मीरी मिर्च का भी यूज़ किया था। अब इन आलू को चमचे से थोड़ा सा हम फोड़ लेंगे, इससे ग्रेवी भी थिक हो जाएगी और बहुत ही अच्छा इसका टेक्स्चर आ जाएगा सब्जी का। यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच गर्म मसाला भी मिलाया है और देखिए कितनी शानदार हमारी सब्जी बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल लग रही है ना भंडारे वाली हलवाई जैसी सब्जी। तो एक बार इस सब्जी को जरूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट देती है। आप इस आलू की सब्जी के साथ में देसी घी वाले काशीफल की सब्जी, कद्दू की सब्जी को पहले भी शेयर की है आपके साथ, देख सकते हैं आप चैनल पे, और हलवे के साथ में और पूरियों के साथ में ये कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। मैं आपको आईडिया के लिए भी दिखा रही हूँ, इस तरह से पूरा ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है, आप किसी भी फेस्टिवल में बना सकते हैं या किसी गेस्ट के सामने बना सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर इसी तरह की क्विक इजी रेसिपी के साथ में मिलती हूँ, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।